जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धर्मलाभ भाग्यशालियों, पालीताना तीर्थ से हमारा विहार हुआ और पालीताना से भावनगर और भावनगर से धोलका कलिकुंड के बीच में धोलेरा नाम का एक गांव है। जी हाँ, अद्भुत यहाँ पर 220 वर्ष प्राचीन आदिनाथ दादा की प्रतिमा है। आप जब कभी भी पालीताना जाए तो धोलका कलिकुंड से भावनगर रोड पर, धोलका कलिकुंड से 40 किलोमीटर दूर धोलेरा करकर एक गांव है, जहां पर खूब अद्भुत प्राचीन तीर्थ है। 220 वर्ष प्राचीन आदिनाथ दादा की अद्भुत प्रतिमा है, जरूर यहां पर आप दर्शन करें। इसी के साथ में इस तीर्थ का एक अद्भुत इतिहास है, एक अद्भुत चमत्कार है जो आज भी अभी भी देखने को मिलता है। जी हाँ, शाम के समय पर आदिनाथ दादा का जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो शिखर है और शिखर के ऊपर जो ध्वजा है और ध्वजा दंड के ऊपर रोज करीबन 100 वर्ष से एक मयूर रोज यहां पर आकर बैठता है। आप अभी भी देख सकते हैं, 100 वर्ष से यह मोर रोज दादा के शिखर पर आकर बैठता है। शाम को आरती के समय पर यहां पर आता है और पूरी रात इसी शिखर के ऊपर बैठा रहता है। जब सुबह दादा आदिनाथ का मंदिर खुलता है, खुलने के बाद में वासक्षेप पूजा होती है, प्रभु का पक्षाल होता है और पक्षाल होते से ही यह मोर यहां से उड़ जाता है। आज भी इसका प्रत्यक्ष चमत्कार इस मंदिर में देखने को मिलता है। 100 वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी, आपको लग रहा होगा कि क्या मोर 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, लेकिन ये नहीं, इसके पहले का मोर, जो भी मोर आते हैं, भले उनका आयुष्य पूर्ण हो जाता हो, लेकिन उसके बाद के मोर इस प्रथा को चालू रहने देते हैं। और आज भी इस मंदिर के ऊपर और मंदिर की ध्वजा के ऊपर आप देख सकते हैं कि साक्षात दादा आदिनाथ का प्रभाव, कि वो मोर अभी भी दादा के शिखर ध्वजा दंड के ऊपर बैठा हुआ है। और जब तक सुबह दादा का पक्षा नहीं होगा, यह मोर अपने पंख के साम्राज्य से, अपने पंख की छाया से इस मंदिर के ऊपर बैठा रहेगा। ये आदिनाथ प्रभु का साक्षात चमत्कार है। जब कभी आप पालीताना महातीर्थ की ओर आओ, तब धोलेरा नगर के अंदर इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना। और अगर आप शाम के समय पर आओ तो यह प्रत्यक्ष चमत्कार इस मोर का जरूर देखकर, इस चमत्कार को देखकर दादा आदिनाथ भगवान की जरूर आपके मन से अपने आप जय बोला जाएगी। ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार देखने के लिए आप धोलेरा नगर में जरूर आइएगा। यही प्रेरणा के साथ में बंधु त्रिपुटी का आप सभी को धर्म लाभ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो आदिनाथ भगवान की जय।